हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस मींस बिग, यानी बड़ा। टर्निप मींस शलजम। शलजम की सब्जी तो आप सभी ने खाई होगी, लेकिन क्या कभी इतना बड़ा शलजम देखा है? नहीं ना। तो देखते हैं हम लोग कि क्या है इस बड़े शलजम की स्टोरी। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन who plants some turnip seeds in his farm. Story means कहानी, old means बूढ़े, man means आदमी की, who means जो, plants means बोता है, some means कुछ, turnip means शलजम, seeds means बीज, farm means खेत में। ये एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है जो अपने खेत में शलजम के बीज बोता है। The turnip seeds grew. Turnip means शलजम के, seeds means बीज, grew means बड़े होने लगे। शलजम के बीज बढ़ने लगे। The turnip seeds grew and grew. शलजम के बीज बढ़ने लगे और बढ़ने लगे। The old man wants to pull up the enormous turnip. Old man means बूढ़ा व्यक्ति, wants means चाहता है, pull up means निकालना, enormous बड़ा, turnip means शलजम, बूढ़ा व्यक्ति इस बड़े शलजम को निकालना चाहता है। He tries to pull it many times, but he cannot pull up the enormous turnip. Tries means प्रयास करता है, कोशिश करता है, pull means खींचने की, many times means बहुत बार, but लेकिन cannot pull खींच नहीं सका अब ऊपर enormous turnip बड़े शलजम को। वह उसे बार बार खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह बड़े शलजम को खींच नहीं सकता। An old woman comes there. Old woman बूढ़ी स्त्री comes आती है, there वहाँ, बूढ़ी स्त्री वहाँ आती है। What are you doing? She asks the old man. What means क्या? You means तुम, doing means कर रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह बूढ़े आदमी से पूछती है। Want to pull up this enormous turnip? Says the old man. I means मैं, want means चाहता हूँ, pull up खींचना, this यह enormous turnip बड़े शलजम को। मैं इस बड़े शलजम को बाहर निकालना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी कहता है। I can pull up this enormous turnip alone. I means मैं पुल अप खींचना enormous बड़ा टर्निप शलजम अलोन अकेली। मैं इस बड़े शलजम को अकेली बाहर निकाल सकती हूँ। Says the old woman, बूढ़ी स्त्री कहती है। No, you cannot pull it up alone. I will help you. Says the old man, बूढ़ा व्यक्ति कहता है। नहीं, तुम इसे अकेली नहीं निकाल सकती, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। The old man and the old woman pulled, but they could not pull up the enormous turnip. Pull means खींचा। बूढ़े आदमी ने और बूढ़ी औरत ने खींचा और खींचा, लेकिन वे इस बड़े शलजम को बाहर नहीं निकाल सके। A boy comes there. We want to pull up that enormous turnip. Can you help us? Ask the old woman. हम इस बड़े शलजम को बाहर निकालना चाहते हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? बूढ़ी स्त्री पूछती है। Yes, I will help you. Says the boy. हाँ, मैं आपकी help करूँगा। They pulled together, but they could not pull up the enormous turnip. They means उन्होंने pulled माने खींचा, together माने साथ मिलकर। बट लेकिन दे मीन्स वे, कुड नॉट माने नहीं सके, पुल अप खींचना enormous turnip बड़े शलजम को। उन्होंने साथ मिलकर उसे खींचा और खींचा, लेकिन वे उस बड़े शलजम को बाहर नहीं निकाल सके। ओह, ये तो बाहर ही नहीं निकल रहा है। Meanwhile, a gus come there. Will you help us to pull up this turnip? क्या तुम शलजम खींचने में हमारी मदद करोगी? The boy asks the girl. लड़का लड़की से पूछता है। Why not?
I will definitely help you, says the girl. Why means क्यों, not means नहीं. Definitely means अवश्य, help means सहायता. क्यों नहीं, मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूँगी, says the girl, लड़की ने कहा. The old man, the old woman, the boy and the girl pulled and pulled. Old man means बूढ़े व्यक्ति ने, old woman बूढ़ी स्त्री ने, boy लड़के ने और लड़की ने खींचा. बूढ़े व्यक्ति, बूढ़ी स्त्री, लड़के और लड़की सभी ने मिलकर उस शलजम को खींचा. अब कम्स द इनोर्मस टर्निप. बड़ा शलजम बाहर आ गया. Who will cook this enormous turnip so that we can enjoy eating it? Who means कौन? Will cook पकाएगा इस शलजम को. So that means ताकि. Enjoy means आनंद उठा सके. Eating means खाने का. अब इसको कौन पकाएगा ताकि हम सभी इसे खाने का आनंद उठा सके. The old man asked. बूढ़ा व्यक्ति पूछता है. I will cook it. मैं इसे पकाऊंगी. The old woman replied. Replied means उत्तर दिया. बूढ़ी स्त्री ने उत्तर दिया. मैं इसे पकाऊंगी. She made delicious dish of the turnip and they all ate and enjoyed it. She means उसने अर्थात बूढ़ी स्त्री ने made means बनाई, delicious means स्वादिष्ट dish व्यंजन of the turnip शलजम से and they all और उन सभी ने ate means खाया and enjoyed और आनंद उठाया. बूढ़ी स्त्री ने शलजम की बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाया और सभी ने खाकर आनंद उठाया. Wow, so yummy!